जय हिंद दोस्तों, वी आर गोइंग टू देहरादून। हम लोगों ने दो दिन क्लास बंक मारा है एंड बंक नहीं मारा है, लीव ली है। दो दिन का क्लास लीव लिया है एंड वी आर गोइंग टू देहरादून। हम पहाड़ों को घूमने जा रहे हैं। बट ट्रेन आ गई भाई, जन शताब्दी एक्सप्रेस। लगभग एक घंटे ट्रैवल करने के बाद हम लोग मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं। काफ़ी सही से ट्रेन चल रही है, एकदम बिल्कुल टाइमली बताता हूँ। शाम के बज गए भाई, 7 बजने वाले हैं लगभग, और भूख लग रही थी। ये ट्रेन में हम लोगों ने समोसा खरीदा, काफ़ी हाइजीन सा दिख रहा यार, मतलब आई विश की हो यार, खाते हैं, भूख लगी हुई है। रुड़की, हम लोग रुड़की पहुँच गए हैं यार, यहीं पर आई आई टी रुड़की इधर ही है। ये रहा IIT रुड़की। में बहुत ज़्यादा रश है और हरिद्वार अब आने वाला है, और लोग मतलब चिल्ला रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, हर हर महादेव। देखो भाई भीड़, लोग बोले भोलेनाथ की जय भाई। हम लोग हरिद्वार आ रहे हैं, तो पहुँचने वाले हैं। क्या वाइब आ रही है, वाह आहा, क्या मज़ा ऐसा आ रहा है यार। हरिद्वार मुस्कुराइए आप, हरिद्वार में मेरे को तो मिल गया लिखा हुआ टेम्पलेट भाई। यहाँ पे भोले भक्त बहुत ज़्यादा मिलेंगे भगवान को। अरे लिखा हुआ तो था, पीछे गया, वो आगे मिलेगा तेरे को। ओ हो भोले आप भोले बाबा की इच्छा। हरिद्वार में आती पूरी की पूरी ट्रेन खाली होगी, दिखाता हूँ। तो भाई पूरी की पूरी ट्रेन खाली होगी, देख लो कोई नहीं आगे पीछे, मतलब अप्रॉक्स सब लोग चले गए हैं। देहरादून पहुँचने में अभी हमें थोड़ा टाइम है एंड हमारे पास एक आखिरी स्टफ बचा है, तो मैंने इसे पहले ही फाड़ दिया। अब खाने का मन हो रहा बहुत तेज, लेट्स खाते हैं यार इसे। क्या हो गया भाई, नेटवर्क पूरा एकदम फुल है, पता ही नहीं चल रहा हम लोग कहाँ पे हैं, कहाँ पे बस देख रहे हैं। और बाहर एकदम बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, और मेरा कैमरा इतना कैपेबल नहीं है कि बाहर देख पाए क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा। ट्रेन भी थोड़ी धीरे चल रही है, आई थिंक हम लोग पहाड़ पे पहुँच चुके हैं आई गेस। फाइनली देहरादून हम लोग पहुँच गए हैं यार, फाइनली हम लोग देहरादून पहुँच गए हैं स्टेशन पे। अब यहाँ से जाएंगे एक जगह, भैया के यहाँ एक गाना है, वहाँ पे सीधे उसके बाद से स्लीप। फाइनली बहुत दिन से प्लानिंग हो रही थी देहरादून के लिए, और देहरादून पहुँच गए। देहरादून जंक्शन पे लेने के लिए भैया आया हुआ है यहाँ पे, शुक्ला का भैया। यहाँ से सीधे जाएंगे भैया के फ्लैट पे, पुनः सेवा में अवसर दे देने वाले निकास यार, क्या चीज़ है। अरे वाइफ्स आ रहे हैं पूरी हैं क्या, देहरादून के चौराहे की वाइफ्स। ओहो एकदम पूरा पीला रहा है। पहुंच गए अब आए हैं रेस्टोरेंट में, दावत उड़ाने के लिए। ये भैया लोग, ये लवप्रीत भैया, ये आकाश भैया, और वायुष भैया, ये दिव्यांश शुक्ला, और ये एक बहुत बढ़िया सा रेस्टोरेंट। लवप्रीत भैया को मैंने पता एक्सप्लेन कर दिया था, और ये यहाँ का सीन। फिर भारी भरकम चीज़ ऑर्डर हुआ है यार लग रहा है, बाल्टी सी लग रही है यार, ये है क्या। देखो भाई वीडियोग्राफी चल रही है, देखो लेवल, देखो वीडियोग्राफी ये। चल भाई अब मिल वेली बनवा रहे हैं भैया, वहाँ निकलेंगे हम लोग सीधे घर। यस क्या मौसम है, चांद पे एकदम सुहाना सा दिख रहा है, बिल्कुल में आ रही है। भाई हम लोग पहुँच गए हैं भैया के फ्लैट पे, और ये भाई साहब भैया का रूम, देखो पूरा सेटअप बिल्कुल इंजीनियरिंग। ओह क्या फील आ रहा है, पूरा सिद्धू मूसे वाला लेजेंड, बहुत बड़े फैन है लवप्रीत भैया। अमीरी भी देख रही है यहाँ पे, लुक एट दिस। गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून, और भाई उधर जाना है आज हमें, वहाँ उस साइड जाएंगे, फिर आई गेस जॉर्ज एवरेस्ट एंड मसूरी होके घूमते हुए फिर बनाऊंगा व्लॉग।